Gupta, lecturer beauty culture, GWPC Ajmer. आज मैं आपको कोल्ड क्रीम बनाना बताऊंगी. कोल्ड क्रीम तेल और पानी से बना इमल्शन होती है, जिसको तकनीकी भाषा में वाटर एंड ऑयल इमल्शन भी कहते हैं. कोल्ड क्रीम जिनकी त्वचा रूखी और बेजान होती है, उनकी त्वचा पर कोल्ड क्रीम उपयोग करने से त्वचा मुलायम और चमकदार होती है. कोल्ड क्रीम त्वचा पर लगाने से यह ठंडक का एहसास कराती है और रूखी त्वचा के लिए मसाज के लिए उपयोग में ली जाती है. सर्द हवाओं के संपर्क में आने से हमारी त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है. कोल्ड क्रीम का प्रयोग करने से यह त्वचा को नरम और चमकदार बनाती है. कोल्ड क्रीम हमारी त्वचा को सनबर्न से भी बचाती है. कोल्ड क्रीम हमारी त्वचा पर एक चिकनाई की परत बनाती है, जो कि धूल मिट्टी को अपने में समा लेती है. जब हम रूई या कपड़े की सहायता से हमारी त्वचा को साफ करते हैं, तो हमारी त्वचा अधिक साफ और निखरी हुई दिखाई देती है. कोल्ड क्रीम बनाने के लिए हम दो विधियां काम में लेते हैं, जिसमें पहली विधि है वाटर बाथ रेगुलेटर विधि और दूसरी है डबल बॉइलिंग विधि. वाटर बाथ रेगुलेटर विधि से अगर हम कोल्ड क्रीम बनाते हैं, तो इसमें पदार्थ हमारा अधिक गर्म नहीं होता, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ होता है. हमको जितने तापमान तक हमारे पदार्थ को गर्म करना है, उतने पर टेम्परेचर को सेट कर दिया जाता है. दूसरा, इसके अंदर हमको कांच के बाउल और बीकर उपयोग में लेने चाहिए. कॉस्मेटिक बनाने के लिए जो थर्मामीटर यूज होता है, वो सेंटीग्रेड वाला थर्मामीटर यूज करते हैं, जो कि डॉक्टरी थर्मामीटर से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा होता है. दूसरी विधि है डबल बॉइलिंग विधि. डबल बॉइलिंग विधि के अंतर्गत हम एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता और कलाई किए हुए बर्तनों का उपयोग नहीं करेंगे. इस विधि में हम स्टील के बर्तनों का उपयोग करेंगे. डबल बॉइलिंग विधि में हम सबसे पहले एक बड़ी भगोनी लेंगे और दो छोटी भगोनी लेंगे. बड़ी भगोनी जो लेंगे, उसके अंदर हम पानी लेंगे और उसको गर्म करेंगे. जब पानी गर्म होने लग जाएगा, तब हम छोटी भगोनी में हमारी ऑयल वाले जो पदार्थ हैं हमारे, जो कि मिनरल ऑयल है, बीज वैक्स है, उसको छोटी भगोनी में रख के बड़ी भगोनी के पानी के ऊपर इस तरह टिकाएंगे कि छोटी भगोनी आसानी से सेट हो जाए और बड़ी भगोनी का पानी छोटी भगोनी में ना जा पाए. दूसरी भगोनी को हम गैस पर रखेंगे, उसके पानी को हम गर्म करेंगे. उस पानी को हम डिस्टिल्ड वाटर लेंगे पानी में और उसमें हम क्लोरेक्स मिलाएंगे. ये हमारी डबल बॉइलिंग विधि है. डबल बॉइलिंग विधि में हमको थर्मामीटर की आवश्यकता होती है. हम इसके अंतर्गत थर्मामीटर तापमान जांचने के लिए काम में लेते हैं, लेकिन थर्मामीटर का उपयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि थर्मामीटर की जो घुंडी है, उसको हम भगोनी के तले पर नहीं टिकाएंगे, उसको हम पदार्थ तक ही रखेंगे. अगर हम उसको तले में टिकाएंगे, तो वो गर्म होकर के टूट सकता है. कोल्ड क्रीम बनाने के लिए हम 200 ग्राम कोल्ड क्रीम बनाएंगे. उसके लिए हम मिनरल ऑयल, बीज वैक्स, बोरेक्स, डिस्टिल्ड वाटर, प्रिजर्वेटिव, मिथाइल पैराबेन और परफ्यूम, ये काम में लेंगे. मिनरल ऑयल इसको खनिज तेल भी कहते हैं, लाइट लिक्विड पैराफिन भी बोलते हैं. कोल्ड क्रीम बनाने के लिए हम मिनरल ऑयल की जगह आलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल भी काम में ले सकते हैं. मिनरल ऑयल ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. इसमें परफ्यूम मिलाना बहुत आसान होता है. यह त्वचा पर आसानी से फैल जाता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई गंध नहीं होती. बीज वैक्स, शहद की मधुमक्खी से ये बीज वैक्स हमें प्राप्त होती है. शहद निकलने के बाद जो मधुमक्खी का छत्ता बचता है, उसे हम बीज वैक्स कहते हैं. यह हल्के पीले रंग की भी होती है वैक्स, और कई बार ये गहरे पीले रंग की भी होती है. गहरे पीले रंग की वैक्स को
कुछ रसायनों के द्वारा उसके रंग को काट दिया जाता है, तब ये हमें शुद्ध बीजवैक्स प्राप्त होती है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है और ये हमारी क्रीम की क्वांटिटी को बढ़ाती है। बीजवैक्स कई कॉस्मेटिक बनाने में काम में आती है, जैसे लिप बाम, अनलिप क्लींजिंग क्रीम, यह सब बीजवैक्स में आता है। थर्ड है हमारा बोरेक्स। बोरेक्स जिसको कि हम सुहागर के नाम से भी जानते हैं, यह सफेद क्रिस्टल के रूप में होता है। यह क्रीम में इमल्शन बनाने का काम करता है, त्वचा के पीएच को बनाए रखता है तथा यह क्षारीय प्रकृति का होता है और बाथ साल्ट बनाने के काम में भी लिया जाता है। डिस्टिल्ड वाटर, शुद्ध पानी। क्रीम बनाने के लिए हमको डिस्टिल्ड वाटर की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक पानी में कई अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिनका जिसके लिए हम पानी का वाष्पीकरण करके उस वाष्प को ठंडा करते हैं, फिर जो हमें पानी प्राप्त होता है वो 100% शुद्ध पानी या डिस्टिल्ड वाटर होता है, जिसको हम क्रीम बनाने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्रीम को अधिक समय तक संरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए हम प्रिजर्वेटिव काम में लेते हैं। प्रिजर्वेटिव में कुछ गुण होने आवश्यक हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव रंगहीन और सुगंधहीन होना चाहिए, क्रीम में आसानी से घुलनशील होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव क्रीम में डलने के बाद वह क्रीम त्वचा पे कोई नुकसान ना दे। प्रिजर्वेटिव द्रव्य क्रीम की प्रत्येक अवस्था पे प्रभावकारी होना चाहिए। कोल्ड क्रीम में परफ्यूम का एक विशेष महत्व होता है। परफ्यूम क्रीम में मोहक होनी चाहिए और क्रीम के रंग पर इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े, ऐसा परफ्यूम हमको यूज करना चाहिए। परफ्यूम के लिए क्रीम के लिए हम जिरेनियम ऑयल, रोज ऑयल और बर्गामोट ऑयल परफ्यूम काम में ले सकते हैं। हम तीन परफ्यूम को मिला के, इन तीनों परफ्यूम को मिला करके उसको कंपाउंड भी काम में ले सकते हैं। कंपाउंड के लिए हम तीनों ऑयल की एक निश्चित मात्रा लेकर हम कांच की बोतल में मिलाएंगे और फिर उसको कुछ दिनों के लिए रख देंगे और बीच बीच में हम उसको हिलाते रहेंगे, ताकि एक ऑयल की खुशबू दूसरे ऑयल में आराम से मिक्स हो जाए। इसे हम परफ्यूम कंपाउंड भी कहते हैं। इस कंपाउंड को हम कोल्ड क्रीम में काम में ले सकते हैं। क्रीम के अंदर परफ्यूम की हम कम और अधिक मात्रा हमारे आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। अब हम कोल्ड क्रीम को बनाने के लिए हम डबल बॉइलिंग विधि के अनुसार कोल्ड क्रीम बनाएंगे। सबसे पहले हम मिनरल ऑयल और बीजवैक्स को डबल बॉइलिंग कंटेनर के अंदर छोटे कंटेनर में डालेंगे और गैस पे रखेंगे। दूसरे कंटेनर में हम डिस्टिल्ड वाटर, बोरेक्स और मिथाइल पैराबेन इसको डाल के गर्म करने रखेंगे। कोल्ड क्रीम बनाने के लिए हम इन सभी पदार्थों को इनके नाप के अनुसार तोलेंगे और नापेंगे। मिनरल ऑयल और बीजवैक्स यह हमारे ऑयल फेज है। बोरेक्स, डिस्टिल्ड वाटर, मिथाइल पैराबेन ये हमारे वाटर फेज है। ऑयल फेज में मिनरल ऑयल और बीजवैक्स को हम डबल बॉइलिंग में मेल्ट करेंगे। छोटे वाले कंटेनर में हम मिनरल ऑयल और बीजवैक्स लेंगे और इनको गरम करेंगे। जब तक गरम करेंगे जब तक दोनों मिश्रण एक समान आपस में अच्छे से ना मिल जाए। दूसरे कंटेनर में हम डिस्टिल्ड वाटर, बोरेक्स और मिथाइल पैराबेन को मिला के और गरम करेंगे। दोनों का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर हम ऑयल फेज वाले कंटेनर को बाहर निकालेंगे और उसमें डिस्टिल्ड वाटर वाले मिश्रण को धीरे धीरे डालते जाएंगे और हैंड मिक्सर से चलाते रहेंगे। जब हमारा मिश्रण थोड़ा ठंडा होने लगेगा
तब हम उसके अंदर परफ्यूम ऐड करेंगे। क्रीम को जितना अधिक चलाया जाता है, मिक्सर से बीट किया जाता है, क्रीम उतनी ही मुलायम बनती है। और अगर क्रीम का रंग हमको अधिक सफेद रखना है तो हम उसमें 1% जिंक ऑक्साइड भी डाल सकते हैं। परफ्यूम और कलर, अगर हमको क्रीम में कलर डालना है, अगर हमको पिंक कलर की क्रीम बनानी है कोल्ड क्रीम, तो हम पिंक कलर की क्रीम के साथ रोज और स्ट्रॉबेरी परफ्यूम काम में ले सकते हैं। और अगर हमको येलो कोल्ड क्रीम बनानी है तो हमको उसमें चंदन और हल्दी का परफ्यूम हम डाल सकते हैं और कलर हम उसका येलो डाल सकते हैं। इस प्रकार हमारी कोल्ड क्रीम बनके रेडी हो जाएगी।